ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी कि अगर आपको आपके लैटरिन के रास्ते से ब्लड आता हुआ फील होता है, चाहे वो आपको मोशंस के साथ आए चाहे वो मोशंस के अलावा आए, अगर आप फ्रेश ब्लड अपने लैटरिन के रास्ते से आता हुआ देखते हैं तो इट्स अ सीरियस कंडीशन और इसके लिए यू शुड गेट योर होल बॉडी चेकअप डन, क्योंकि एनोरेक्टल डिसीजेज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको अपने लैटरिन के रास्ते से ब्लड आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें से एक जो मोस्ट कॉमन है वो आपके लिवर के डिसीजेज हैं। एक बार आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये लिवर से रिलेटेड नहीं है या किसी और बड़ी बीमारी से रिलेटेड नहीं है और ये किसी पाइल से या फिशर या फिस्टुला के वजह से है, और आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन लिया जिसने आपकी ब्लीडिंग को रोक दिया है, देन ऑल्सो यू नीड टू गो फॉर एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि पाइल्स में से ब्लीडिंग होना और पाइल्स का होना उसका रूट कॉज आपके लैटरिन के रास्ते में नहीं है। द रूट कॉज इज़ योर इम्प्रॉपर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, एंड अनलेस एंड अंटिल आप अपने डाइजेशन को अपने मेटाबॉलिज्म को ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी अग्नि को साम्य नहीं करेंगे, जब तक आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, तब तक आपको ये सारे कंडीशंस या तो दोबारा होते रहेंगे और या फिर किसी और बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेकर आपको अपने डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करना ही है, तभी आप इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ ब्लीडिंग रोक देने से आपकी प्रॉब्लम ठीक होने नहीं वाली है।